नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। किसान आंदोलन की आड़ में अपनी सियासी रोटियां सेक रही कांग्रेस पार्टी अब उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश में जुटी हुई है, और यही वजह है कि किसान महापंचायत जो कि सहारनपुर में होने जा रही है उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचेंगी और साथ ही उस किसान महापंचायत को संबोधित भी करेंगी। शुरू से ही किसान आंदोलन की आड़ में लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो अपनी सियासी रोटियां किस तरीके से सेकती आई है, लगातार किसानों को बरगलाया गया है और तमाम तरीके से उन्हें भ्रमित किया गया है, और लगातार कांग्रेस पार्टी बढ़ चढ़कर इस किसान आंदोलन में हिस्सा ले रही है। यही वजह है कि अब सहारनपुर के चिलकाना में जो महापंचायत होने जा रही है उसमें कांग्रेस पार्टी की नेता और राज्य प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा हिस्सा लेंगी, जिसको लेकर तमाम तैयारियां उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से शुरू कर दी गई है। तो एक बार फिर से इस किसान आंदोलन के बहाने वेस्ट यूपी के जो किसान हैं उन्हें साधने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये वही प्रियंका गांधी वाड्रा है जिनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के न जाने कितने किसानों की जमीन हड़प रखी है, और अब उत्तर प्रदेश में खासतौर पर पश्चिमी यूपी में जो किसानों को साधने की उनकी कोशिश है, दरअसल वो उन किसानों को ना बरगलाएं बल्कि जो जमीन उनके द्वारा हड़पी गई है उसे वापस करें। तो लगातार अब राजनीति भी खूब हो रही है और किसान आंदोलन शुरू से ही तमाम जो विपक्षी दल हैं वो राजनीतिक रोटियां इसमें सेक रहे हैं। हालांकि किसान संगठन के नेता बार बार ये दोहराते नजर आए हैं कि इस किसान आंदोलन में इन जो महापंचायत लगातार किसानों की हो रही है उसमें राजनीतिक पार्टियों का कोई काम नहीं है, राजनीतिक पार्टियां दखल नहीं देगी, किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए उनका मंच नहीं है बल्कि ये किसानों की आवाज इस मंच से उठाई जाएगी। लेकिन बीते दिनों हमने देखा है कि फिर चाहे वो मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई हो या जींद में हुई हो, किस तरीके से आरएलडी के नेता उस महापंचायत में नजर आए, आम आदमी पार्टी के नेता उस महापंचायत में पहुंचे, तो साफ तौर पर एक पूरा राजनीतिक मंच अब बन चुका है। और खास तौर पर बात अगर कांग्रेस पार्टी की जाए तो वेस्ट यूपी में जो अपनी जमीन पूरी तरीके से खो चुकी है, कोशिश यही है कि 2022 के जो चुनाव है उससे पहले कहीं ना कहीं सहारनपुर से इसकी शुरुआत की जाए, क्योंकि सहारनपुर उत्तर प्रदेश का वो इलाका है, वो जिला है जहां पर दरअसल कई जो राज्य है उसकी सीमाएं वहां से मिलती हैं। तो ऐसे में शुरुआत वहां से करने की कोशिश यही है कि पहले वहां पर सहारनपुर में वहां के जो किसान हैं उन्हें अपने साथ किया जाए। साफ तौर पर रणनीति कांग्रेस पार्टी की यही है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस पार्टी जो किसानों की अब इस किसान आंदोलन में हितेशी बन रही है वो दरअसल तमाम उन किसानों की जमीन वापस करवाएं जो रॉबर्ट वाड्रा द्वारा हड़पी गई है। ये लोग लगातार उनसे अपील कर रहे हैं। फिलहाल किसान आंदोलन की आड़ में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने झूठ फैलाकर किसानों को बरगलाया है, लोगों को भ्रमित किया है, किस तरीके से हिंसा जो दिल्ली में हुई उसमें भी तमाम सोशल मीडिया के जरिए इनकी तरफ से फर्जी खबरें चलाई गई, और इस कड़ी में प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार जुटी हुई है कांग्रेस पार्टी, खासतौर पर तमाम उनके ऐसे ट्वीट सामने आ रहे हैं जो पूरी तरीके से फर्जी साबित हो रहे हैं कि किस तरीके से किसान आंदोलन की आड़ में वो तमाम किसानों को जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उन्हें बरगलाने की कोशिश कर रही है। और हाल ही में प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक और ट्वीट किया, जिस ट्वीट को करते हुए उन्होंने दो तस्वीरें पोस्ट की जिसमें दो जवान दरअसल अपने पिता से मिलते नजर आ रहे हैं। उसको लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये लिखा कि छुट्टी मिलते ही अपने पिता से दिल्ली बॉर्डर पर मिलने आए जवान। तो ये उनका ट्वीट था। हालांकि किस तरीके से उनका ये जो ट्वीट था ये झूठा साबित हुआ, दरअसल जिसको वो दिल्ली के सिंघू बॉर्डर की तस्वीर बता रही है वो दरअसल दिल्ली की नहीं बल्कि आपको बता दें लुधियाना की तस्वीर है। जो फैक्ट सामने आए हैं उसमें ये साफ तौर पर उनके जो ट्वीट है उसका पर्दाफाश हुआ है, और इसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपना ये जो ट्वीट था ये डिलीट कर दिया। तो लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से और इनके साथ जो मिले हुए लोग हैं, फिर चाहे वो पत्रकार हो, वो तमाम आंदोलनजीवी हो जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संबोधित किया गया था कि ये वो आंदोलनजीवी हैं जो किसी भी आंदोलन में तुम्हें नजर आ जाएंगे, तो इनके द्वारा लगातार फेसबुक, ट्विटर और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं, और जो सच्चाई सामने आने के बाद इनके लिए एक ट्रेंड बन गया है कि पहले फर्जी खबरें फैलाएं उसके बाद उस ट्वीट को या उस पोस्ट को डिलीट कर दें,
यही प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी किया। इससे पहले भी वो कई ऐसे ट्वीट कर चुकी हैं जिन पर उनकी फजीहत हुई है। बिना सोचे समझे किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस किसान आंदोलन की आड़ में ट्वीट कर रही है, लोगों को बरगलाने का काम, लोगों से लगातार फर्जी खबरें जिस तरीके से उन्हें हिट करती हैं, उसके द्वारा जो हिंसा होती है वो लगातार उनके द्वारा जारी है। और अब जिस तरीके से किसान महापंचायत, जो कि ये कहा जा रहा था कि इसमें किसान हिस्सा लेंगे, किसान नए कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, उससे रद्द करने की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर चर्चा होगी। लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी, RLT, साथ ही समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर अपनी राजनीतिक रोटियां इस किसान महापंचायत की आड़ में सेक रही हैं, वो तो आपको बता दें, इस किसान महापंचायत में शामिल होने से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी के मंदिर में जाकर उनके दर्शन भी करेंगी। इसके अलावा वो उसके बाद मुस्लिम समुदाय के प्रमुख केंद्र रायपुर स्थित खानका रहीमिया जाएगी। ये मुस्लिमों का एक प्रमुख स्थल है जहां प्रियंका गांधी वाड्रा के जाने का कार्यक्रम है। उसके बाद वो किसान के समर्थन में जो किसान महापंचायत होगी उसमें शिरकत करेंगी। तो कहीं ना कहीं तमाम वर्गों को साधने की कोशिश कांग्रेस पार्टी और साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में की जा रही है। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में उनका कार्यक्रम है, इसके बाद बताया ये जा रहा है कि 13 फरवरी को वो सरधना, उत्तर प्रदेश के ही सरधना और दूसरी जगहों पर जो किसानों के समर्थन में रैली होगी, जो महापंचायत होगी, उसमें हिस्सा लेंगी। तो साफ तौर पर किसानों की आड़ में अब पश्चिमी यूपी को पूरी तरीके से साधने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर वो कांग्रेस पार्टी, वो प्रियंका गांधी वाड्रा, जिनके पति ने इतने किसानों की जमीन उत्तर प्रदेश में हड़पी हुई है, जिन पर कई मामले दर्ज हैं, उनकी हितैषी बनकर आखिर किस तरीके का ढोंग रच रही है प्रियंका गांधी वाड्रा। इसको लेकर तमाम लोग अब सोशल मीडिया पर उनसे सवाल कर रहे हैं। जिस तरीके से झूठ फैलाकर किसानों को बरगलाकर वो लगातार उनसे बॉर्डर्स पर बने रहने की अपील कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है, उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी की फजीहत पहले ही हो चुकी है। तो साफ तौर पर उन किसान संगठन के नेताओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। और खास तौर पर बात अगर राकेश टिकैत की जाए तो राकेश टिकैत हर बार ये बोलते नजर आए हैं कि उनके इस आंदोलन में, जो किसानों का आंदोलन है, जो सिर्फ किसानों के लिए है, किसानों के लिए मंच है, बल्कि वहां अब राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से दस्तक दे रही हैं, तो सवाल किसान संगठन के नेता राकेश टिकैत पर भी उठ रहे हैं कि अपनी चुनावी पूरी यात्रा तैयार करने के लिए वो किस तरीके से अब राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर इस पूरे किसान आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन बना रहे हैं और तमाम पार्टियों को एक मंच दे रहे हैं अपनी बात रखने के लिए। तो उसको लेकर सवाल और साथ ही मुश्किलें राकेश टिकैत की भी बढ़ती नजर आ रही हैं। तो इस किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस पार्टी किस हद तक गिर चुकी है, ये हमने बीते दिनों भी देखा है। जिस प्रदर्शनकारी की मौत दिल्ली हिंसा में हुई, उस प्रदर्शनकारी को कांग्रेस पार्टी शहीद का दर्जा दे रही है। वहीं दूसरी ओर जो असल में जवान है देश के, उनका अपमान करती ये पार्टी नजर आती है। उनकी तमाम सैन्य कार्रवाई पर ये सवाल उठाती है, सेना के कार्यों पर ये सवाल उठाती है। तो किस तरीके की दोगली राजनीति कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है, ये देखा गया है। वहीं किसान संगठन के नेताओं की अगर बात की जाए तो फिर चाहे वो राकेश टिकैत हो या योगेंद्र यादव हो, खासतौर पर बात अगर योगेंद्र यादव की जाए तो प्रधानमंत्री की ओर से राज्यसभा में भी इस बात का जिक्र किया गया था कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रधानमंत्री के द्वारा आंदोलनजीवी परजीवी करार दिया गया था कि तमाम आंदोलन में वो नजर आ जाते हैं। फिर चाहे वो वकीलों का आंदोलन हो, स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो या फिर मजदूरों का आंदोलन हो, उनका खुद का कोई आंदोलन नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं और दूसरों को बरगलाने का काम, देश को तोड़ने का काम, केंद्र सरकार को घेरने का काम उनकी तरफ से लगातार जारी है। अगर योगेंद्र यादव की बात करें तो योगेंद्र यादव वही हैं जिन्होंने दरअसल इस कृषि कानून का कुछ वक्त पहले तक समर्थन किया था। उन्होंने 2018 में यह साफ तौर पर एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि किसानों को सीधे बाजार से जोड़ा जाए, इस बात का वो समर्थन कर चुके हैं। लेकिन चूंकि अब उन्हें सिर्फ मोदी सरकार को घेरना है, सरकार पर सवाल उठाने हैं, देश में कौन सा आंदोलन हो रहा है, किसान क्या चाहते हैं, इसकी उन्हें कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने उस एजेंडे को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं।
कभी वो किसानों के साथ नजर आते हैं तो कभी वो स्टूडेंट के साथ नजर आते हैं। तो यही वो आंदोलनजीवी हैं जो हर जगह नजर आ जाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर इन आंदोलनजीवियों से देश को सचेत रहने की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि इन लोगों को पहचानने की बेहद जरूरत है जो सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उसमें योगेंद्र यादव भी हैं, उसमें राकेश टिकैत भी हैं, क्योंकि राकेश टिकैत जो किसानों के समर्थन की बात कर रहे थे, जो किसान आंदोलन में ये कह रहे थे कि किसानों के लिए सिर्फ ये आंदोलन होगा, लेकिन अब उन्होंने जो राजनीतिक पार्टियों को अपना ये मंच सौंप दिया है उसको लेकर सवाल अब उन पर उठना लाजमी है और आने वाले वक्त में जाहिर है इसके चलते उनकी फजीहत भी होगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।